मैं साधारण महिला भी नहीं हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। 2003 से हम ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना हाथ से छोटा बच्चा को रुला रुला कर हम काम करते थे। उस पैसा को जोड़ करके हम दसवां अंश हम पास्टर लोग को देते थे, गरीब में बांटते थे, दुखिया को देते थे, किसी को बेटी को शादी करवा देते थे। दोस्तों, इस महिला का वीडियो मैंने आपको अपने चैनल से काफ़ी बार दिखाया है और बहुत प्यार आपने उस वीडियो के ऊपर दिया है। आज फिर से मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो कि मैं इस महिला का लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक इंटरव्यू के अंदर इस महिला ने एक ऐसी बात बताई जो कि मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियो अपने चैनल से डालते रहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये महिला है, महिला का नाम है ललिता। और ये महिला ऐसी वैसी महिला नहीं है दोस्तों, बेगूसराय के अंदर इस महिला के पास बहुत बड़ी चर्च है। जो ये वीडियो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब वीडियोस दोस्तों इस महिला की ही चर्च की हैं। ये महिला दोस्तों एक पास्टर हैं और इनसे दुआ कराने के लिए लोग बहुत दूर दूर से और इनके जो आसपास के गांव से लोग इकट्ठे होकर के इनके पास आते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस महिला के कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप उस रीज़न को देखेंगे और समझेंगे तो मैं सचमुच में दोस्तों आपको बता दूँ, आपकी बढ़ती को कोई भी रोक नहीं सकता। आइए सुनते हैं पहले इस वीडियो को। और मैं साधारण महिला भी नहीं हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। 2003 से हम ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना हाथ से छोटा बच्चा को रुला रुला कर हम काम करते थे। उस पैसा को जोड़ करके हम दसवां अंश हम पास्टर लोग को देते थे, गरीब में बांटते थे, दुखिया को देते थे, किसी को बेटी को शादी करवा देते थे। अभी भी मेरा वही काम है, उतना ही काम है। पहले हम करते थे तो अभी क्यों नहीं करेंगे? परमेश्वर तो में हमको बहुत चीज़ दे दी है। तो परमेश्वर का वचन बताती है, देने वाले को दिया जाता है। मैं परमेश्वर को दिया, परमेश्वर अभी अब मुझको दे रहा है। लोग कहता है ऐसे करके गला काटता है, तो ऐसे करके मैं थोड़ी काट रहा हूँ। परमेश्वर के नदी खुद लोग कटवा रहा है ना, हम मैंने काटता हूँ। परमेश्वर जिसको चंगा करते हैं तो लोग तो आएगा ही, परमेश्वर को भेंट चढ़ाएगा ही। हम तो मांगते नहीं हैं, कुछ कहते हैं, हम तो खुद देने वाले हैं, तो मांगेंगे क्यों? दोस्तों, अभी आपने इस अद्भुत वीडियो के अंदर सुना कि किस तरीके से इस महिला ने बताया कि ब्यूटी पार्लर का मैं 2003 में काम करती थी, मेरा छोटा बच्चा था, वो रोता रहता था, मैं फिर भी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और उससे जो मेरी कमाई होती थी उसका मैं दसवां हिस्सा अपने पास्टर को और चर्च में दिया करती थी। और उसके अलावा भी मैं गरीब लोगों की मदद करती थी, जिसके घर के अंदर बेटी होती थी और उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं उनको सहायता करती थी जितना मेरे से हो पाता था। और इस बहन ने परमेश्वर का एक वचन बताया इस वीडियो के अंदर जो कि बाइबल में लिखा है, तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और ऐसा ही दोस्तों इस बहन के साथ हुआ। जिस तरीके से इस बहन ने बोया, लोगों की मदद की, चर्च के अंदर दशवांश दिया समय से, अपनी कमाई के अंदर से, ईमानदारी से, तो आज आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है दोस्तों जो कि परमेश्वर ने इस बहन को दी है। और आज इस बहन के पास किसी भी प्रकार की घटी और कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सचमुच में इस बहन ने उस समय में बोया जिस समय में इस बहन का घर भी नहीं बना हुआ था। घर भी दोस्तों अब इस बहन का बना है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ये ऐसी वैसी महिला दोस्तों नहीं है, परमेश्वर का बहुत अनुग्रह इस महिला के ऊपर है। परमेश्वर इसके द्वारा सचमुच में बेगूसराय बिहार के अंदर बहुत अद्भुत कामों को करता है। इस महिला के चर्च के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लोग भी इस महिला की कलीसिया के अंदर आते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को कर चुका है। एक ऐसी ही मुस्लिम महिला का जो इनके चर्च की महिला थी, उनका एक वाक्य है जो कि इन्होंने खुद बताया था। उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जीवन के हर मोड़ पर ढूंढूं तुझको मैं सदा, जीवन के हर मोड़।